गाइस डे टू थक गए थे कल, इसलिए थोड़ा लेट उठे। 5 से 5 हज़ार रूम नंबर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं और पशुपतिनाथ के दर्शन करने, और उसके बाद आगे आगे जो जगहें हैं वो भी आपको दिखाते जाएंगे। सब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, मेरे मम्मी पापा फूल चढ़ाने जा रहे हैं और बाबा पशुपतिनाथ की पूजा करने जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद आप सब तक पहुंचाने जा रहे हैं। अंदर हमें कैमरा यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी, तो यहीं से बाहर मेन गेट तक के दर्शन करवाएंगे आपको। तो जय बाबा पशुपतिनाथ। दर्शन करके हम आ गए हैं पशुपतिनाथ जी के, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे दर्शन हुए अंदर। और जो पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, नेक्स्ट लेवल है जी। आप सभी पर भगवान पशुपतिनाथ की बहुत कृपा रहे, आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हर हर महादेव। तो ये है जी पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर जो मार्केट है, ये पूरा मार्केट है पीछे। ये मेरे को पहचान गए क्या ब्लॉगर, ऐसा मैं ब्लॉगर जो मुझे ब्लॉगर इन पशुपतिनाथ मंदिर है ना। स्वयंभूनाथ टेम्पल देखिए आप, मम्मी पापा आ रहे हैं, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बहुत अच्छा लग रहा है नेपाल एक्सप्लोर करते हुए, और आप ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें भी यहाँ से खरीद सकते हैं, है ना। मेरे जैसा सुंदर लड़का आपके साथ नहीं आ रहा होगा, तो ध्यान रखना। ऊपर से आ गए हैं नीचे, और ये देखो कि यहाँ पर ये एरिया है जहाँ पर लोग फोटो शूट करवाते हैं। बड़ी सी बेल है, छोटा छोटा एरिया बना हुआ है, अलग अलग जगह पर आप फोटो खिंचवा सकते हो। फ्लैग स्टेडियम बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर है। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, वी आर गोइंग टू समवेयर एल्स, स्टे ट्यून्ड। आप देखो कहाँ जा रहे हैं हम, आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं नेपाल। नारायणस्थान मंदिर हम जाएंगे। ये नारायणस्थान मंदिर है जहाँ पर विष्णु भगवान की, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे भी, तो आपको वो मूर्ति मिलती है जो पानी के अंदर शेषनाग शैया पे विष्णु भगवान विश्राम कर रहे हैं, वही मंदिर है ये। और दिखा देगा दर्शन हो गए जी, आपको कैसे लगे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और अगर अच्छे लगे तो अपनी तरफ से भी हाजिरी लगाते हुए ओम नमो नारायण जरूर लिखना कमेंट्स में। जा रहे हैं अगली डेस्टिनेशन जो, जय श्री बौद्धनाथ टेम्पल, वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगेन। टेम्पल यू कैन सी, रुको बैक कैमरे से दिखाता हूँ।
हेरिटेज साइट देखने के बाद हम आ गए हैं गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, लेट्स गो इनसाइड। हर हर महादेव सिंगर के बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है जी, वहाँ अंदर एज यूजुअल फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती। चलो वहाँ भजन हो रहे हैं, थोड़ी सी भजन रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाते हैं। अमल जियत राम बिर बदन निहारी, राम बिरह करे मरण सवारे। सो कबिकल सब रोवनि रोवहि रानी, रूप शिव बनो तेज बखारे। करहि विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तन बालहि वार। बिलपहि बिकल दास रो दासे बिलपहि बिकल। कैसा लगा भजन संकीर्तन और रामायण पाठ? अब हम वापस गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और जाएंगे फिर से होटल। ठीक है, तो ये है लामा भैया, इनका नंबर भी मैं शेयर करूंगा। ये हमें 2 दिन घुमाते रहे पूरा काठमांडू, और बहुत स्पीड में घुमाया है, बहुत अच्छे से घुमाया और बहुत सारे मंदिर दिखाए हैं। ठीक है लामा भैया, और मैं होटल में आ गया, थक गया हूँ मैं, सोने लगा हूँ भाई। अभी हम थोड़ी सी पेट पूजा करके आ गए हैं पशुपतिनाथ भगवान की आरती देखने। वो देखो मम्मी कहाँ रहेगी। हेलो मम्मी, आ जाओ। और मम्मी आ गई, पापा ये रहे। चलो आप आवाज सुन रहे हैं जो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस बाबा पशुपतिनाथ को सल्यूट देती है आरती के समय। मम्मी पापा और मैं आरती एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ आरती अटेंड करो और बाबा पशुपतिनाथ का पूरा पूरा आशीर्वाद दो। जय बाबा पशुपतिनाथ। सो इट वॉज मम्मा पापाज एनिवर्सरी, तो मम्मा पापा के लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज जो था होटल टीम ने क्रिएट किया, मम्मा पापा के लिए केक मंगवाया। एंड बहुत अच्छा लगा हमें कि होटल टीम तो हमारा सेलिब्रेट कर ही रही थी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन, बट जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने भी बहुत प्यार से ग्रीट करा सभी को, और बहुत ही प्यार से हमारे लिए बहुत सुंदर सा केक आया था और मम्मा पापा ने केक काटा, सेलिब्रेट किया। सी गाइस, इट्स अ मोमेंट वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि मम्मा पापा की बहुत देर के बाद ये इंटरनेशनल ट्रिप थी, क्योंकि कोविड के बाद हम लोग ट्रिप पर गए नहीं थे। एंड इट वाज वेरी स्पेशल फॉर अस कि मम्मा पापा की एनिवर्सरी पशुपतिनाथ धाम में इतने प्यार से सेलिब्रेट हुई। इट वाज रियली रियली स्पेशल। थैंक यू एवरीवन। With the treatment that I received with my family, I would recommend this hotel to everybody, every single person who is going to visit Nepal. It is very near to the airport. आप लोग जाएँ, आपको family की तरह feel होगा। I am showing you the name, guys. Do visit this hotel.
एयरपोर्ट हिमालयन बुटीक होटल, अमेजिंग स्टे। सो आज हम निकल रहे हैं वापस काठमांडू से, ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। सो ब्रेकफास्ट हो गया, लास्ट डे फ्रॉम दी होटल और हम निकल रहे हैं। निकाल ली, ये रहे मम्मी पापा, बाय बाय, लेट्स गो डाउन। तो हम पहुंच गए जी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अब हम जा रहे हैं इंडिया। अब हम निकल रहे हैं काठमांडू से, बहुत मजा आया हमें ट्रिप में, आप भी वर्चुअली मार्केट एंजॉय करना और अभी बाहर का व्यू देखना। सुरक्षा से लेके पहुंचते तक पाते आप काठमांडू से और जा रहे हैं दिल्ली, राइट। That's it for this vlog guys, आपको जल्दी मिलेंगे दूसरे vlog में, नेपाल से हो रहा है टेक ऑफ, आपको मिलेंगे अगले vlog में जो कि बहुत जल्दी आपके पास आएगा। सो सॉरी गाइज बहुत लेट लेट vlog जा रहे थे, लेकिन अब नया vlog जल्दी आएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जय माता दी।